नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इजराइल फिलिस्तीन विवाद ने दोनों तरफ तबाही मचा रखी है, लेकिन ज्यादा असर फिलिस्तीन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर अरब की रेगिस्तानी धरती झुलस रही है। ये रोते बिलखते बच्चे देखे नहीं जा रहे, लेकिन कोई रुकने या झुकने को तैयार नहीं है। कुदरत ने तो पहले ही से मरुस्थल और वीरान सा बुझा बुझा सा बनाया था। आबादी ने इसे खुशहाल करने की कोशिश की, चाहा कि यहाँ की फिजाओं में अमन चैन हो, लेकिन अफसोस ये ना हो सका। अब रॉकेट और मिसाइलें यहाँ खून से अपनी प्यास बुझा रही है। विवाद जमीन का है, लेकिन ये भी सच है कि इसे मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। इसराइल में यहूदी तो अरब देशों में सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या आप जानते हैं? बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए हमारी ये खास पेशकश है। वैसे तो ये लड़ाई नई नहीं है, इससे पहले कई बार दोनों तरफ से हमले हो चुके हैं और बेगुनाह लोग मारे गए हैं। अब भी यही हो रहा है। अगर इस पूरे मामले पर स्टडी की जाए तो तमाम मिथ अलग अलग है, जो कुछ इस तरह है। आज विश्व का इतिहास खंगालेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सब अंग्रेजों की देन है, कैसे और क्यों। अंग्रेजों का किया धरा सब। जब आप इसराइल फिलिस्तीन विवाद देख रहे हैं तो वो मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में आता है। ये एशिया के बाद का हिस्सा है। यहाँ 95% आबादी मुस्लिम है। नक्शे पर अगर इसे सीधे सीधे देखें तो भारत से पाकिस्तान और ईरान होते हुए इसराइल पहुंचते हैं। 1948 में फिलिस्तीन को तोड़कर इसराइल बनाया गया। हालांकि यहाँ पहले भी यहूदी रहा करते थे। ये विवाद वास्तव में अंग्रेजों की देन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन और इसके एक साल पहले भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया और यहाँ भी अंग्रेज कश्मीर छोड़कर चले गए। इससे इसराइल फिलिस्तीन और लंदन पर क्या असर पड़ा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहे या उसके पहले भी अंग्रेज यहाँ भी जाते, वहाँ अपनी सल्तनत कायम कर लेते, कुछ ऐसे बंटवारे कर देते कि वहाँ के लोग आपस में लड़ते रहे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और इसलिए हम इसे IPL कह रहे हैं। इसराइल और फिलिस्तीन बनाने का फैसला लंदन में हुआ। इंडिया पाकिस्तान भी लंदन की ही देन है। क्या UNO की आड़ में अपने हित साधे गए? अगर विश्व का इतिहास उठाकर देखेंगे तो समझ में आता है कि ब्रिटिश एम्पायर गुलाम देशों को आजाद तो करता, लेकिन उनके बीच विवाद का एक बीज बो जाता। फिर इसकी ओट में इन्हीं देशों को ब्रिटेन और अमेरिका हथियार भी बेचते। कुछ दिनों बाद ये विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO पहुंच जाते। इसराइल फिलिस्तीन के साथ यही हुआ और भारत पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर मुद्दे पर यही हो रहा है। सच्चाई ये है कि UNO कभी किसी मसले का हल खोज ही नहीं सका, या ये कहे कि सब जानने के बाद भी ऐसा हुआ। बेलफोर डिक्लेरेशन 1948 में अंग्रेज ही ये कॉन्सेप्ट लेकर आए। इसके तहत फिलिस्तीन को तोड़ा गया। 14 मई 1948 को इसराइल की स्थापना हुई। फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इसराइल और 48% फिलिस्तीन को दिया गया। यरूशलम को 8% जमीन देकर इसे UNO का हिस्सा बना दिया गया। यानी इस पर ना तो फिलिस्तीन का हक था और ना इसराइल का। अरब देश इससे नाराज हो गए। इसराइल बना ही था कि जंग शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना और इसी वक्त कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश भिड़ गए। दोनों मामलों में आज भी यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसराइल बनते ही उस पर 6 अरब देशों ने हमला बोला। इसराइलियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और वो ये जंग जीत गए। लेकिन यरूशलम को लेकर विवाद क्यों है? आखिर इतने शालीन खूबसूरत दृश्य को क्यों खून से भिगोने की चाह है? यरूशलम को लेकर विवाद क्यों? यरूशलम ये शहर 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसाई मानते हैं कि यरूशलम ही बेथलेहम है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहूदी मानते हैं कि यहीं से उनके धर्म की शुरुआत हुई और मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अलक्सा यही है, जिसको लेकर विवाद लगातार बना रहता है। 48% से अब महज 12% जमीन पर फिलिस्तीन रह गया। 1948 के पहले 100% हिस्से पर फिलिस्तीन था।
14 मई 1948 को इसराइल बना और फिलिस्तीन महज 48% हिस्से में रह गया। इसराइल के हिस्से 44% जमीन आई। फिर इसराइल अपनी ताकत के दम पर फिलिस्तीन जमीन पर कब्जा करता चला गया। हालात ये हैं कि आज महज 12% जमीन पर फिलिस्तीन है। इसराइल ने कुछ ऐसे नियम बनाए कि फिलिस्तीन अपनी रक्षा के लिए सेना ही नहीं बना सकते, उन्हें हथियार खरीदने की भी इजाजत नहीं है। आखिर मुस्लिमों के लिए ये आन की लड़ाई क्यों है? आम लोगों के लिए मुस्लिमों के दो धार्मिक स्थल अहम हैं, एक मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों सऊदी अरब में हैं, लेकिन तीसरी पवित्र मस्जिद अलक्सा है और ये यरूशलम में है। इस पर यूएन का कब्जा है और ये बात दुनिया जानती है कि संयुक्त राष्ट्र और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर देशों की कठपुतली महज है। अब इसके पीछे का विवाद जानिए। ये विवाद कैसे शुरू हुआ? यरूशलम में एक जगह है शेख जर्राह। इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जगह को खाली किया जाए, क्योंकि ये जगह यहूदियों की है। करीब 150 साल पहले जब ब्रिटिश शासन ने यहूदियों को ये भरोसा दिलाया कि इस जगह उन्हें ही बसाया जाएगा, तो यहूदियों ने अरब के लोगों से बहुत महंगे दाम पर ये जमीन खरीदी। इसके डॉक्यूमेंट्स भी यहूदियों यानी इसराइल के पास मौजूद है। अब इसराइल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शेख जर्रा इलाके में मौजूदा फिलिस्तीनियों के 500 मकानों को तुड़वा दिया जाए, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक 150 साल पहले यहूदियों के पास है। आपको बता दें कि शेख जर्रा से कुछ दूरी पर अलक्सा मस्जिद है। 13 अप्रैल को यहां नमाज के बाद इजरायली पुलिस और मुस्लिमों में संघर्ष हुआ। पुलिस मस्जिद के अंदर घुस गई। नेतन्याहू पर किस तरह का दबाव? अलक्सा में इजरायली कार्रवाई का विरोध कई देशों ने किया। भारत ने भी कहा कि यथास्थिति बनाकर रखनी चाहिए। यूएन ने कहा वहां हमारा शासन है, लिहाजा इजरायल कार्रवाई बंद करे। इजरायल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और इसमें 14% अरब मुस्लिम या ये कहिए कि फिलिस्तीनी हैं। अलक्सा के अपमान से ये भी नाराज हो गए। इजरायल में यहूदियों और मुस्लिमों के बीच दंगे शुरू हो गए। बाहर से हमास हमले कर रहा था। नेतन्याहू की सरकार भी अल्पमत में है, यानी नेतन्याहू सरकार के लिए तीनों तरफ से मुसीबत आन पड़ी है। फिलिस्तीन में दो हिस्से क्यों हुए? फिलिस्तीन में अब दो हिस्से 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में झड़पें हुई। इसराइल को भारी पड़ना ही था और वो पढ़ा भी। हर बार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला गया। अब फिलिस्तीन कहता है कि हमको 1948 में मिला 44% हिस्सा ही दे दो, लेकिन इसराइल भला ऐसा क्यों करेगा? उसने जंग से जमीन हासिल की है और एक बार फिलिस्तीन इतनी भी जमीन नहीं संभाल सका। उसके दो हिस्से हो गए, पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में रहने वाले समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, वहीं गाजा पर हमास का कब्जा है। वो जंग के जरिए इजराइल से अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि हमास को ईरान का समर्थन है। रॉकेट गाजा पट्टी से दागे जाते हैं, ये हमास के कब्जे वाला हिस्सा है और इसे ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान और इसराइल के बीच कट्टर दुश्मनी है। एक रोचक बात यह है कि ईरान शिया बहुल देश है, जबकि अरब फिलिस्तीन या हमास सब सुन्नी है। हमास के पास बहुत छोटे रॉकेट्स हैं, इन्हें कासिम नाम दिया गया है। एक रॉकेट की कीमत 2.5 से 3 लाख के बीच है। हमास ने अब इसकी रेंज भी बढ़ा ली है। ये तेल अविव तक पहुँच रहे हैं। ईरान से ये रॉकेट मिस्र और फिर गाजा भेजे जाते हैं। बहरहाल इसराइल के पास आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है और वो हमास के 92% रॉकेट रास्ते में ही मार गिराता है। दूसरी तरफ जब इसराइल हवाई हमले करता है तो फिलिस्तीन में भारी जानमाल का नुकसान होता है। इसकी एक वजह ये है कि फिलिस्तीन के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। ये इलाका भी बहुत छोटा और बेहद घनी आबादी वाला है। इसराइल क्यों मजबूत है? पॉइंट्स में समझिए। हर मामले में सेल्फ डिपेंड है। दुनिया के सबसे घातक हथियार उसके पास मौजूद हैं। वो एटमी ताकत है, अघोषित है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हर मुल्क उसका दोस्त है। ग्रेटर इसराइल कंसेप्ट है। इसराइल अब ग्रेटर इसराइल कंसेप्ट पर काम कर रहा है। इसके जरिए वो इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत,
ईरान और फिर सीरिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इन्हीं छह देशों ने मिलकर 1967 में उस पर हमला किया था और मुंह की खाई थी। एक हकीकत यह है कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो बोलते हैं, लेकिन चीन के शिनजियांग प्रांत में खत्म हो रही उइगर मुसलमानों की प्रजाति पर चुप रहते हैं। इसकी एक वजह है और वो ये कि चाहे अरब हो या दूसरे मुस्लिम देश, हर किसी के अपने हित हैं। 57 मुस्लिम देशों में से एक भी ऐसा नहीं जो हमास तो छोड़िए फिलिस्तीन की भी खुलकर मदद कर पाए। रहा यूएन तो वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुंह तक नहीं खोल सकता। कुल मिलाकर इस मसले का हल निकट भविष्य में दिखाई देता नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन या हमास यूं ही टकराते रहेंगे, जानो माल का नुकसान होता रहेगा और दुनिया वो तमाशा देखती रहेगी। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।